राजस्थान युवा बोर्ड लंबे समय से और ख़ासतौर पर बजट के बाद राजस्थान के युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह का विजन दिया, जिस तरह का उन्होंने बजट दिया, उसके बाद बहुत सारे काम हम लोग कर रहे हैं। बजट युवाओं को समर्पित है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट से पहले हमारे कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि इस साल का बजट हम युवाओं को देंगे, और उसके साथ साथ वो बजट बनने की जो एक प्रक्रिया थी वो एक अहम प्रक्रिया थी, और बजट के सुझाव एक अहम प्रक्रिया के माध्यम से गुजरे, और वो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, राजस्थान सरकार प्रतिबद्ध थी कि हम राजस्थान की नई युवा नीति लेकर आए, और इसी यूथ पॉलिसी के ऊपर पिछले एक साल से हम लगभग काम कर रहे हैं, और उसका नतीजा, उसके जो परिणाम, उसके जो उनकी जो कार्यान्विति है वो आप लोगों को लंबे समय से देखने को मिल रही है, जो भी हमारे कार्यक्रम हैं। पर इम्पॉर्टेंट ये है कि जो यूथ पॉलिसी है वो प्रॉपर शेप में हम सरकार को दें, जो सरकार की एक मंशा थी कि हम राजस्थान की युवाओं के लिए लेकर आएँ, उसमें युवाओं की शिक्षा के लिए, युवाओं की रोज़गार के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए और उनके सर्वांगीण विकास के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, कि क्या क्या उनके सुझाव हैं, उन सब को लेकर हमने राजस्थान की यूथ पॉलिसी बनाई है। पिछले एक साल में हम लोग राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में गए, अलग अलग युवाओं के जो वर्ग हैं उनसे हमने बातचीत की, हमने जयपुर में अलग अलग वर्गों से बातचीत की, जिसमें महारानी कॉलेज में हमारी जो महिलाओं के साथ, गर्ल्स के साथ हमने टॉक की, हमने MNIT में और जो प्रोफेशनल्स युवा हैं उनके साथ चर्चा की, हमने जयपुर में ही एक जो हमारे थर्ड जेंडर हैं, किन्नर हैं, उनके साथ हमने कॉन्वर्सेशन किया, इसके अलावा सीकर में हमने बात की, इसके अलावा जो अलग रीजन है हमारा, जिसको हमारा ख़ासतौर पर आदिवासी बेल्ट है और वो वागड़ का क्षेत्र है, तो हमने डूंगरपुर में जाकर आदिवासी युवा लड़के लड़कियों की अपेक्षाओं को जाना, और उसके आधार पर राजस्थान की नई युवा नीति का एक मसौदा तैयार हुआ, और कल वो एक ऐतिहासिक दिन है कि जो विश्व युवा दिवस है उसके उपलक्ष्य में जो मसौदा हमने संयुक्त राष्ट्र संघ की हमारी एक जो शाखा है UNFPI उसके साथ मिलकर राजस्थान की नई युवा नीति का मसौदा तैयार किया है, और कल 11 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी को वो मसौदा हम सौंपेंगे। हमने हमारा जो दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र है उसके ऑडिटोरियम में कल एक कार्यक्रम रखा है जिसका नाम युवा संकल्प है। उस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी जी, हमारे जो मंत्री हैं माननीय अशोक चांदना जी, और JNU के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और अभी NSUI के इंचार्ज कन्हैया कुमार, इस यूथ पॉलिसी को हम लोग सबके सामने और बहुत सारे जो राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से जिन युवाओं ने इस यूथ पॉलिसी को बनने में योगदान दिया उनके साथ मिलकर हम लोग ये कल माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपेंगे, ताकि इसके अनुसार हम आगे भी राजस्थान में काम कर सकें। और एक चीज़ और मैं बताते हुए खुशी है कि ये देश में पहला राजस्थान राज्य बन रहा है कि लंबे समय बाद किसी ने इस यूथ पॉलिसी के ऊपर चर्चा की और नई यूथ पॉलिसी हमारी आ रही है। और इसी यूथ पॉलिसी का एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ कि जब हमने सुझाव दिए और इसी का आपने बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि राजस्थान की नवीन युवा नीति के माध्यम से हम राजस्थान के युवाओं के लिए युवा कल्याण कोष बना रहे हैं 500 करोड़ रुपए का, तो ये एक बहुत बड़ा राजस्थान के युवाओं को सौगात है। और कल वो मैंने जैसा कहा कि वो ऐतिहासिक दिन है कि राजस्थान की जो नई युवा नीति है वो माननीय मुख्यमंत्री को, राजस्थान सरकार को, राजस्थान युवा बोर्ड के माध्यम से हम लोग सौंपेंगे। देखिए, मसौदे में मोटे तौर पर हमने, जैसा मैंने कहा, कि
राजस्थान के हर वर्ग के युवाओं से हमने बातचीत की है, चाहे वो स्टूडेंट हैं, चाहे वो खिलाड़ी हैं, चाहे वो और कोई रोज़गार करते हैं, चाहे वो किसान हैं, वो आदिवासी हैं, हर क्षेत्र में जाकर हमने उनकी भावनाओं को जाना है और उसके आधार पर उनकी ज़रूरतों को, ख़ासतौर पर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार के ऊपर युवाओं के लिए हमने काफ़ी फोकस्ड इस पर काम किया है। और जो मैंने पॉलिसी की भी बात की कि जो युवा कल्याण कोष बना है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 500 करोड़ रुपए का राजस्थान के युवाओं के लिए इसी के माध्यम से कोष बनाया, जो कि खास तौर पर जिसमें 200 करोड़ रुपए राजस्थान के युवाओं के लिए स्किल्स पर हम खर्चा कर रहे हैं, 200 करोड़ रुपए शिक्षा के एडवांसमेंट पे खर्चा कर रहे हैं, उनकी जो स्कॉलरशिप्स हैं उन पर हम खर्चा करेंगे, और 100 करोड़ रुपए अलग से उनके एडवांस पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हमने इसमें रखे हुए हैं। तो इस तरह से ये वर्गीकृत किया गया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता चुनावी नज़रिए से। अगर चुनावी नज़रिए से होता तो हम लोग इसको अभी लेकर नहीं आते, बातचीत नहीं करते, ये एक लंबा प्रोसेस था। तो हम लोगों ने जिस तरह के सजेशंस दिए उसके आधार पर ऑलरेडी बजट बना है। आप युवा नीति तो हम लोग डिटेल्ड में अभी लेकर आए हैं, बट जो हमारे सुझाव थे, जो कॉन्वर्सेशन हमने रखी, क्योंकि पिछले एक साल की बात कर रहा हूँ मैं, ये अभी इस साल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये मैं बात कर रहा हूँ 2022 की बात कर रहा हूँ, कि हमने आप लोगों के माध्यम से भी और अलग अलग जो चैनल्स हैं हमारे, जो सूचना के माध्यम हैं उनके ज़रिए हमने बातचीत की है, और ये हज़ारों युवाओं से हमने 2022 में 23 में नहीं करी है, 2022 में हमने हज़ारों युवाओं से ये कॉन्वर्सेशन रखी है अलग अलग क्षेत्रों में जाकर। उसके आधार पर बजट में बहुत सारे सुझाव आपको देखने को मिले हैं, और जो डिटेल्ड एक पॉलिसी का डॉक्यूमेंट है वो हम लोग अभी देने वाले हैं। बाकी पॉलिसी पर हमारा काम पहले से चल रहा है, जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे काम हमारे इसमें हुए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसी भी स्टेट में कभी अभी तक बहुत सारी सरकारें सब, क्योंकि युवा हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा एक बड़ी संख्या में युवा हैं, और अलग अलग क्षेत्रों में हर सरकारें युवाओं के साथ काम कर रही हैं, पर उसमें जो सबसे बड़ा जो रोल है वो है युवाओं को रोज़गार का और उनको शिक्षा का, क्योंकि बदलते वातावरण में, बदलते माहौल में शिक्षा का भी परिदृश्य बदल रहा है। तो उसमें कैसे एक गुणवत्तापूर्वक शिक्षा और उसके साथ में उनको जीवन चलाने की शिक्षा कैसे मिले, तो इसके ऊपर जो काम हुआ है, मैं समझता हूँ कि जो राजस्थान सरकार है, आप क्योंकि मैंने तो बहुत सारे स्टेट्स के सर्वे जाकर बातचीत करके, उनकी पॉलिसीज़ देखकर उनके ऊपर हमने काफ़ी काम किया है, तो मैं ये कह सकता हूँ और मुझे गर्व है, और मैं आप लोग मीडिया के माध्यम से या अलग अलग आप तो रिसर्च भी करते हैं, देखते हैं, तो आप ये देखेंगे अगर देश के अलग राज्यों के साथ हमारी तुलना करेंगे तो यूथ पॉलिसी और जो यूथ के ऊपर काम हो रहा है, राजस्थान का जो फोकस्ड एरिया जो मैंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार, इसके ऊपर आपको बहुत सारी चीज़ें और देखने को मिली।